नरसिम्हन सिर्फ तेलंगाना के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के लिए नए गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन का तखरुर, सड़क हादसा के इंसदाद के लिए मरकज की जानिब से मुकदमा के इकदामात, इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करने मरकजी वजीर नितिन गडकरी का तयखुन, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के बहरान पर अरकान असेंबली की दरख्वास्त की समाअत, कल फैसले का ऐलान, और चीफ मिनिस्टर केसीआर का कल चिंतामड़गू का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती काम और संगे बुनियाद के बाद देहातियों के साथ तनावल ताम। आदाब, उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद नईमुद्दीन खादरी और अब खबरें तफसील से। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहरा के वजीर नितिन गडकरी ने अरकान पार्लियामान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टोल प्लाजा निजाम को बंद नहीं किया जाएगा और कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से नजात पाने के लिए तमाम गाड़ियों को 4 महीने के अंदर लाजमी तौर पर फास्ट टैग से जोड़ दिया जाएगा। गडकरी ने लोकसभा में रोड ट्रांसपोर्ट और शाहरा की वजारत से मुतालबात जर पर हुई बहस का जवाब देते हुए मंगल को कहा कि फास्ट टैग लगाने से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने वाली गाड़ियों की कतार खत्म हो जाएगी, इसलिए 4 महीने में तमाम गाड़ियों को लाजमी तौर पर यह टैग लगाने के लिए कहा गया है। नई गाड़ियों पर फरोख्त के वक्त ही यह टैग लाजमी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा ने सऊदी वोट से वजारत से वाबस्ता मुतालबात जर को मंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 58 लाख फास्ट टैग तकसीम किए जा चुके हैं। इस टैग को लगाने से गाड़ियों को डिजिटल तरीके से टोल टैक्स की अदायगी करनी पड़ती है और इसकी रकम पहले ही ले ली जाती है, इसीलिए इस टैग से वाबस्ता गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों पर वाकई टोल प्लाजा पर टोल देने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार नहीं लगे, इसके लिए नई और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि टोल प्लाजा पर छूट देने के बारे में मुतालबात आते हैं, लेकिन यह निजाम खत्म नहीं होगा क्योंकि इसी आमदनी से शाहराहों को बेहतर देखभाल की जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों को टोल टैक्स से मुस्तस्ना रखने पर गौर किया जा रहा है। ट्रैक्टर, दोपहिया गाड़ियां और ऑटो रिक्शा को पहले ही से इससे मुस्तस्ना रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में लाखों लोग सड़क हादसात में हलाक हो जाते हैं, जिनमें 15% सड़क हादसा तमिलनाडु में होते हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से ये सड़क हादसा रोनुमा होते हैं, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना रियासती काबीना का एक अहम इजलास 17 जुलाई को 4 बजे शाम चीफ मिनिस्टर केसीआर की जेर क्यादत मुनक़िद होगा। तवक्को है कि इस इजलास में नए मुजवजा बल्दी कानून बिल को मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि जारियामा 18 और 19 जुलाई को 2 यौमी मुजवजा तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली का इजलास मुनक़िद होने वाला है। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली और तेलंगाना रियासती कानून साज कौंसिल के खसूसी इजलास के इनेकाद से मुतालिक 12 जुलाई को बाकायदा तौर पर एलानिया जारी किया जा चुका है। इस एलानिया की रोशनी में 18 जुलाई को 11 बजे दिन तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली और दूसरे दिन यानी 19 जुलाई को 2 बजे दिन तेलंगाना रियासती कानून साज कौंसिल के इजलास का आगाज होगा। तेलंगाना में नया बल्दी कानून मुरतब करके मुतारिफ करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कानून साज असेंबली और कौंसिल का खसूसी इजलास तलब करने का फैसला किया है। रियासती गवर्नर ईएस नरसिम्हन ने यह ऐलामिया जारी किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के 18 जुलाई के इजलास में नया बल्दी कानून बिल असेंबली में पेश किया जाएगा और बाद में 19 जुलाई को मुजवजा बिल की ऐवान में मंजूरी हासिल की जाएगी। बाद इस बिल को तेलंगाना रियासती कानून साज कौंसिल में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर सिद्दीपेट जिला में वाक़ अपने आबाई मौजे का कल दौरा करेंगे। वो 2 घंटे तक इस देहात में मौजूद रहेंगे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर बीसी अखामती स्कूल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे और इस मौजे में जारी तरक्याती उमूर का जायजा लेंगे। इस मौजे में डबल बेडरूम की तामीर हो रही है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर पद्मा मंदिर जाएंगे और वहां देहातियों के साथ मिलकर तनावल करेंगे। साबिक वजीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजाम के सिलसिले में कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी से मुलाकात करके बातचीत की है। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने ऐलान किया है कि नलगुंडा और सूर्यापेट में नए तालीमी तिब्बी कॉलेज कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी इलाज की खिदमत हासिल होंगी। रियासती वजीर इटाला राजेंद्र और जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिला कलेक्टर दफ्तर में नलगुंडा जिला के महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया।
उन्होंने कहा कि मुत्तहदा नलगुंडा जिला में अनखरीब हॉस्पिटल्स कायम करके अलावा मेडिकल कॉलेजेस भी मुतारिफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हामला खवातीन को केसीआर किट तकसीम करती है। इस सिलसिले में भी इजलास में बातचीत हुई। इटाला राजेंद्र और जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल्स कम हैं, इसलिए यहां हॉस्पिटल्स कायम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए मरकज ने नए गवर्नर का तकर्रुर अमल में लाया है। उड़ीसा रियासत से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद विश्वाभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में राष्ट्रपति भवन से ऐलानिया जारी किया गया। रियासत की तकसीम के बाद अब तक ईएसएल नरसिम्हन मुत्तहदा तेलुगु रियासत के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासती वजीर रबली दयाकर राव ने वरंगल रूरल जिला का दौरा करते हुए 24 करोड़ 73 लाख रूपये मालियती तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर वर्धना पेट में मौजूद डीसी तांडे में तमाम तरक्याती उमूर अंजाम देने का तयखुन दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानब से मुतारिफ करदा कौमी दही जमानत रोजगार स्कीम को जिरात में भी रोमावल लाया जाएगा। रावली ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तमाम तालाबों को पुर किया जाएगा ताकि जिरात को फरोग हासिल हो। मरकजी हुकूमत के दिफाई इदारे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर बीडीएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कमांडर सुधीर मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोल्डन जुबली तकारीब के सिलसिले में वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि बीडीएल का हिंदुस्तानी साइंस में मिसाइल्स और दिफाई हथियार तैयार करने के लिए 1970 में बीडीएल का क्याम अमल में आया था। सुधीर मिश्रा ने बताया कि इस वक्त से यह इदारा सरगर्म है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 15 अरकान असेंबली की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई की जेर ख्यालत एक बेंच कर्नाटक असेंबली के बहरान के सिलसिले में समाप्त कर रही है। चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी की जानिब से राजीव धवन को मुकर्रर किया गया है। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि स्पीकर सरकार ने असेंबली के इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं। स्पीकर की जानिब से अभिषेक समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने रोहतगी की जानिब से दिए गए बयान पर समाप्त की। स्पीकर के इकदाम को अदालत ने तस्लीम नहीं किया। इस्तीफा देने वाले अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए मुंबई पहुंचकर अदालत से रुजू हुए थे। इन अरकान असेंबली ने उन्हें काबीना में जगह देने के लिए इस्तीफा दिया था। तमाम उमूर की समाप्त के बाद अदालत ने अपना फैसला कल तक के लिए महफूज कर दिया है। महकमे ज़राअत आदिलाबाद के एक आला अहदेदार मंगीलाल ने कहा है कि किसानों को मरकजी हुकूमत के मुतारिफ करदा फसल बीमा योजना से इस्तेफादा करते हुए अपनी फसलों को फरोग देना चाहिए। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि इस जिले में अब तक 50,000 किसान इस बीमा से इस्तेफादा कर रहे हैं और दीगर किसानों को भी इस बीमा के तहत फैज उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा स्कीम से किसानों को वाकिफ करवाना चाहिए क्योंकि यह कम किस्त में ज्यादा पहुंचाती है। ఇప్పుడు మనుషులకు బీమా ఈ విధంగా చేస్తాం, పంటలకు బీమా కూడా అవసరం. ఎందుకంటే అనివార్య కారణాల వల్ల వరదలు రావచ్చు, తర్వాత పంట కోత సమయంలో భారీగా వర్షాలు వచ్చి పంట చేతికి రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, లేకపోతే పంటలు పండకుండా కూడా పంట చేతికి రాకుండా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ వాతావరణం ఈ బీమా అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలని ప్రతి రైతుకి మేము వివరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే మనకు చాలామంది హైదరాబాద్ జిల్లా రైతులు ఈ బీమా వలన లబ్ధి పొందడం జరిగింది. పత్తి పంట అయితే వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కింద వస్తుంది. ఆల్ ఇండియా రేడియో కి ఏక్ ములాజిమ్ ओ नागाराजू का कल तवील अलालत के बाद कल रात इंतकाल हो गया। उन्होंने आकाशवाणी हैदराबाद में 29 साल तक खिदमत अंजाम दिए थे। वो कर्नूल जिला के कोयलाकुंटा तालुके के अवैलवाड़ा में मौजे में साल 1966 में पैदा हुए थे। नागाराजू ने मुल्क और बैरून ममालिक का दौरा किया और साल 1990 में आकाशवाणी हैदराबाद में आला ओहदे पर फायज हुए थे। आखिर में देखिए अहम खबरें एक बार फिर और साथ ही शाम उर्दू न्यूज बुलेटिन खत्म करने की इजाजत दीजिए। आदाब। नरसिम्हन सिर्फ तेलंगाना के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के लिए नए गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन का तखरुर। सड़क हादसात के इंसदाद के लिए मरकज की जानिब से मुकदमात के इकदाम। इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करने मरकजी वजीर नितिन गडकरी का तयखुन। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के बहरान पर अरकान असेंबली की दरख्वास्त की समाअत, कल फैसले का ऐलान। और चीफ मिनिस्टर केसीआर का
کل چندہ مڑگو کا دورہ، مختلف ترقیاتی کام اور سنگ بنیاد کے بعد دیہاتیوں کے ساتھ تناول تام۔